नमस्कार, आप देख रहे हैं अरुणोदय समाचार। उमंग और हेल्पिंग हैंड संस्था ने शिक्षक को दी श्रद्धांजलि। कंबल और कॉपी पेन का किया वितरण। बाह क्षेत्र में सामाजिक संस्थाओं ने कवि व शिक्षक शिव चरण शर्मा की 13वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। साधारण परिवार में जन्मे शिवचरण शर्मा ने शिक्षा क्षेत्र और समाज हित में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। बाह और पिनाहट के कई विद्यालयों में शिक्षण कार्य करते हुए सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता फैलाई। क्षेत्र की संस्थाओं ने साधुओं को कंबल और स्कूली बच्चों को कॉपी पेन का वितरण किया है। क्षेत्र के लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। रविवार को भाग के अलग अलग क्षेत्र में कवि व शिक्षक शिव चरण शर्मा की 13वीं पुण्यतिथि पर याद किया गया। बट्टेश्वर में राहुल वशिष्ठ के नेतृत्व में हेल्पिंग हैंड्स टीम ने साधुओं को कंबल और फल का वितरण किया है। टीम ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। टीम के संस्थापक बबलू यादव ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षक शिवचरण शर्मा के द्वारा समाज हित में किए गए कार्यों के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। बट्टेश्वर के मंदिर परिसर में टीम के द्वारा फल का भी वितरण किया गया है। इस मौके पर डॉक्टर अवधेश, आशीष यादव, अम्बेश वर्मा, मनीष, सुमन वर्मा, निरोतम वर्मा, नरेश गोस्वामी, बंटी गोस्वामी, धनंजय और गोलू आदि सदस्य मौजूद रहे। जैतपुर के अमाही में निःशुल्क कोचिंग सेंटर संचालित करने वाली उमंग सेवा समिति ने स्कूली बच्चों के बीच कॉपी पेन का वितरण किया है। कोचिंग सेंटर में शिक्षक और स्कूली बच्चों ने शिव चरण शर्मा की फोटो पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिवस मनाया है। टीम के सदस्य के साथ अवधेश महेरे और राहुल शर्मा मौजूद रहे। पिनाहट में शौक सभा का आयोजन किया गया है। उनके पुत्र लोकेंद्र नाथ शर्मा ने उनकी कविता स्मरण को याद कर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके शिक्षक दिनेश गुप्ता, विक्की गोविंद गुप्ता, मनीष पाठक, राहुल मडेनिया, आयुष शर्मा और ममता शर्मा मौजूद रही। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।